मेरा नाम डॉक्टर वली खान है। मैंने MBBS आयु मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से किया है और मैंने FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। मैंने अपनी ट्रेनिंग मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की शेखजाद हॉस्पिटल लाहौर से की है और इस वक्त मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट एंड लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट शेखजाद हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सीनियर रजिस्ट्रार सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे क्लिनिक में ज़्यादातर रिपोर्ट करते हैं वो उनको मैदे के रिलेटेड जो मसले होते हैं, खुराक के बाद मैदे में तकलीफ़ होना, जलन होना, दिल का ख़राब होना, उल्टी आना, इस तरह के मसाइल के साथ लोग मेरे पास कंसल्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जो जिनको मसले होते हैं छोटी आंत के, जिसकी वजह से उनको पखाना बार बार आता है, जिसको सीलिक डिजीज़ बोलते हैं, उस तरह के मरीज़ भी कंसल्ट करते रहते हैं। और साथ साथ में जो बड़ी आंत के मसले होते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज़, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, जिसके मरीज़ जो होते हैं या तो वो पखाने में खून के साथ हमारे पास आते हैं या तो उनको बार बार लूज़ मोशन आते हैं, उस मसले के साथ आते हैं। और इसके अलावा जो है ओल्ड एज के जो मरीज़ होते हैं, बुज़ुर्ग जो होते हैं, उनके वो लोग जो हमारे पास आते हैं वो बड़े पखाने में खून के साथ आते हैं और वो खून जो होता है वो दर्द के बग़ैर मसला होता है उनको, उसी के इन्हीं मसलों के साथ हमारे पास वो प्रेजेंट करते रहते हैं। तो ये मसाइल जो हैं ये हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डोमेन में ही हम मैनेज करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का शिकार है। हमारे पंजाब के जो अजला हैं उनमें हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। जो हम में से आजकल जो EPI शेड्यूल में 2005 से शामिल है, हमारे 2005 के जितने भी बच्चे हैं वो जो EPI शेड्यूल में जिन लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं वो तो इस बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यून हो चुके हुए हैं। तो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें, जो पंजाब का जो सूबा है वो इस मामले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, प्रिवेंट कर गए हैं हेपेटाइटिस बी को, लेकिन स्टिल हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है और सेंट्रल पंजाब में ये इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर घर में 2 से 3 अफराद इससे मुतासर हैं हेपेटाइटिस सी से। हेपेटाइटिस बी जो है वो ज़्यादातर कामन हमारे जनूबी अजला में है, सिंध और बलूचिस्तान ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। और हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों एक ही तरह फैलते हैं, ये खून के ज़्यादातर ये खून से फैलते हैं, ये मुख्तलिफ़ ज़रियों से, जिस तरह इंजेक्शन के ज़रिए, नीडल्स के ज़रिए, शेविंग आइटम्स के ज़रिए और इसके अलावा तौलिया वगैरह से भी ट्रांसमिट होते हैं। कुछ हद तक ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी हो सकते हैं या फिर जो सर्जरी के दौरान जो औजार इस्तेमाल होते हैं, आले इस्तेमाल होते हैं, उसके ज़रिए भी इनकी ट्रांसमिशन होती है। हेपेटाइटिस बी जो है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म में प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों में ये सिर्फ इन्फेक्शन की सूरत में होता है, कुछ लोगों में ये हेपेटाइटिस की सूरत में प्रेजेंट करता है, कुछ लोगों में ये डायरेक्ट जो जब ये डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं तो उस वक़्त उनके जिगर कमज़ोर हो चुका होता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी 10 से 12 साल लेता है जब ये सिरोसिस में कन्वर्ट होता है और हेपेटाइटिस सी जो है वो कम से कम 18 से 20 साल सिरोसिस में कन्वर्ट होने में इसको टाइम लगता है। कि मुख्तलिफ कम्प्लिकेशंस हैं इसकी, कम्प्लिकेशन में अगर मरीज़ सिम्टम्स वाले स्टेशन निकल जाए तो उसमें पेट में पानी आ जाना, खून की उल्टी हो जाना, बेहोशी का आना, छोटे पेशाब की तकलीफ़ हो जाना उसकी वजह से, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सूरत में ये प्रेजेंट करता है, लेकिन यही इन्हीं वजह से मरीज़ ज़्यादातर हस्पताल में आते हैं। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस बी भी इसी तरह प्रेजेंट करता है। इन दोनों का इलाज है और हमारे पास ये मरीज़ फ्रीक्वेंटली क्लिनिक पे रिपोर्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी का इलाज भी है, दवाइयों गोलियों के ज़रिए इलाज किया जाता है, और हेपेटाइटिस सी का इलाज भी आज के दौर में अच्छे से अच्छी किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं। 3 से 6 महीने का कोर्स है
हेपेटाइटिस सी के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं और ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, जिसको SVR बोलते हैं। हम 12 हफ्ते के बाद मरीज़ को कह सकते हैं कि आपकी बीमारी ख़त्म हो गई है, और बीमारी के जब ख़त्म हो जाती है तो उसके एक साल बाद दोबारा टेस्ट कर दिया जाता है कि अगर आपकी बीमारी क्लियर हो गई है तो आप सारी उम्र के तौर पर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के केस में जो होता है उसमें जो आजकल की दवाइयां जो अवेलेबल हैं उसमें गोलियां जो हैं वो लंबे अरसे तक के लिए दी जाती हैं। आजकल उसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन मिनिमम 2 ईयर्स का ड्यूरेशन था पहले, अब जो कहते हैं कि वो एज़ लॉन्ग एज पॉसिबल उनको दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस जब सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी मुख्तलिफ कम्प्लिकेशंस आती हैं, जिस तरह मैंने पहले बोला है कि खून की उल्टी, बेहोशी, पेट में पानी आ जाना। जब ये मसाइल बढ़ जाते हैं तो इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के स्कोर्स ही होते हैं, जिसको चाइल्ड स्कोर और मेल्ट स्कोर बोलते हैं। अगर मरीज़ उस क्राइटेरिया में आ रहा होता है तो इसकी जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है, अगर वो बीमारी प्रोग्रेस कर जाए या एकदम जिगर बैठ जाए, तो उसकी जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो है लिवर ट्रांसप्लांट, जिगर की तब्दीली। जिगर तब्दीली जो है दो तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन जो दो हैं वो कॉमन है। एक तो वो कि किसी मुर्दे का जिगर लगा दिया जाए, जो कि हमारे मुल्क में कॉमन नहीं है, और जो दूसरा तरीका ये है कि लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, किसी फैमिली रिलेटिव में से कोई आधा जिगर डोनेट कर ले, जो कि मरीज़ को मिलता है और आधा डोनर के पास रह जाता है, और ये इसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट है। और उसके बाद मरीज़ को सारी उम्र के लिए दवाई खानी पड़ती है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है उससे। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मसूद हॉस्पिटल में शाम 6 से 7:30 बजे तक मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं।